you, ma'am. Aye, come. Aye. Come, ma'am, come. Yes, yes. अंजन गोस्वामी को तो मैं बहुत समय से जानती हूँ और लास्ट टाइम उनके अवार्ड में मैं आने वाली थी, लेकिन चूंकि मेरा कुछ शेड्यूल रहा नहीं और मैं नहीं आ पाई। बट आई थिंक वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अवार्ड को बना लिया है और अच्छे से मुझे लगता है कि अच्छे स्टेज पे आ चुके हैं। और बाकी तो मैं भी जाके देखती हूँ, बट मेरी तरफ से हमेशा ऑल द बेस्ट रहता है सबको कि अवार्ड अच्छा रहे, फले फूले, बहुत बड़ा अवार्ड बने। आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट कॉल्ड विच इज़ लाइक सोलो हिंदी मूवी विच इज़ वी आर स्टार्टिंग इन फेब and that is going to be OTT platform. Thank you. Thank you. अंजन जी कर रहे हैं ये अवार्ड सेरेमनी, तो कितनी खुशी मिल रही है यहाँ आकर आपको? बेहद खुशी है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। एट द सेम टाइम आई एम नर्वस हूँ, क्योंकि मैं भी नॉमिनेटेड हूँ इस अवार्ड के लिए। बस अब देखते हैं कि अंदर जाके हमें अवार्ड मिलता भी है कि नहीं। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड बहुत पुराना ब्रांड है इनका एंड वी ऑल विशिंग देम टू गो इन फ्यूचर मोर ब्राइटर एंड मोर ब्राइटर। मैम ऑन प्रोफेशनल फ्रंट क्या कहना चाहिए, कितना ज़्यादा और मतलब शूटिंग वगैरह की बात करें तो कितना ज़्यादा फ्री फ्लो हो रहा है हर चीज़ प्रोफेशनली, कितना ज़्यादा काम आगे बढ़ रहा है अगर दिखाया तो? अगर मैं कहूँ तो आफ्टर कोविड अब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ है ये पैंडमिक सिचुएशन के बाद। और ऑफकोर्स एक अवार्ड अगर आपको मिलता है आपके काम के ज़रिए तो वो आपकी अलग पहचान होती है और एक आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है आपके परफॉर्मेंस के प्रति, आपके काम के प्रति, कि आप लोगों को और बेटर और बेस्ट दिखाए। एंड अवार्ड बहुत मायने रखता है हर पाने में। सो सिंस रिमेंबर लॉन्ग टाइम इंडस्ट्री में आप, तो पहला जब मौका था किसी अवार्ड सेरेमनी में जाने का या अवार्ड मिला था तो कितनी खुशी मिलती है और कितना प्राइड फील होता है कि यू आर गेटिंग एन अवार्ड? सी मैं सच बताऊँ तो आज भी मैं उतनी नर्वस और उतनी एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि अवार्ड एक ऐसा एक ज़रिया होता है हमारा आपके प्रति प्यार दिखाने का, एक ज़रिया दिखाने का कि हमने हमारा 100% दिखाने की और बिताने की और परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी कोशिश करी। और उसका एक ये ऐसा चीज़ होता है अवार्ड लेने के बाद जो हमें दिलचस्पी और हमें खुश करता है इंसान कि मैंने जो किया उसमें मैंने अपने 100% देने की कोशिश की। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड लाइक माई फर्स्ट अवार्ड एंड ऑलवेज हैप्पी। मैम स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन एंड व्हाट टू से अबाउट द आपकी आवाज फाउंडेशन अवार्ड एंड अबाउट अंजन गोस्वामी का अवार्ड एंड द अवार्ड। ठीक है, स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। नमस्ते आप लोग, आप सब लोगों को, मेरा नाम अर्शन, अच्छा विच वन बट सेंटर सेंटर सेंटर। ठीक है, नमस्ते आप सब लोगों को, मेरा नाम अर्शन मेहता है और मैंने बॉलीवुड में काफ़ी कमर्शियल्स, काफ़ी काम किया हुआ है। आई वॉन्ट टू थैंक आपकी आवाज़ फाउंडेशन एंड अंजन गोस्वामी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। वेल अबाउट माई प्रोफाइल, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफिकेशन से, पर एक लड़की का हमेशा सपना होता है ना एक्टिंग करना ये वो। सो आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ ब्यूटी पैजेंट्स एंड एवरीथिंग और फिर मैंने काफ़ी कमर्शियल्स किए हैं, काफ़ी टीवी कमर्शियल्स किए हैं, अभी भी काफ़ी हो रहे हैं। मैंने काफ़ी मूवीज़ किए थे, बजरंगी भाईजान मेरा फर्स्ट मूवी था एज इन बॉलीवुड इंडस्ट्री और उसके बाद से मैंने लीड्स में काफ़ी मूवीज़ किए हैं, द रैली, अभी एक अनारी इज़ बैक आने वाली है, फिर मैंने सलू की शादी और अभी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है कॉल मैं हीरो बोल रहा हूँ, मैंने वो किया हुआ है और अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी शूट किया है राज कपूर और जेंटलमैन पर। अवार्ड के बारे में, अंजन गोस्वामी जी के बारे में जिनका ये अवार्ड आया,
आप सभी को नमस्ते। महाराष्ट्र का अपना अवार्ड है और मैं मराठी मध्ये बोलू काय? हिंदी हिंदी हिंदी। अच्छा, महाराष्ट्र में इतना सम्मान मुझे मिल रहा है उसकी मैं बहुत अहोभागी हूँ। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और इस तरीके से कल्चरल और अपने राष्ट्र गौरव को और अपने जो कलाकार हैं, कलाकृति है, जो संगीत है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के अवार्ड्स और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए ताकि हम आर्टिस्ट, हम कलाकार अपनी काम में, अपने जीवन में शिद्दत से आगे बढ़ सकें। अरे मत मत हिला यार, मत हिला। ये देख क्या कर रहा हूँ। चलिए सुनो, चलो प्रभात, चल जल्दी आ। चलो प्रभात, तू भी बुजुर्ग सलामत। मैम आपकी आवाज़ फाउंडेशन की ओर से अवार्ड रखा गया है, क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुशी हो?